क्या सर जी, ये ऐसे ऐसे करते रहते तो निकल जाता सर। ये टूटे हुए हैं, अगर जो सर निकालते तो निकल जाते, सारे तोड़ रखे हैं यहाँ पे, और जो निकल जाते तो निकल। अब मैं आपको बताओ सर, इसीलिए सरिया निकाले, वो टूटी हुई है, नाली भी टूट रखी है, इसीलिए सर उसमें से सरिया निकाल। क्या करते फिर तुम उस सरिये का? क्या करते सर, यही कबाड़े में जाती है सर। कबाड़े में भेज सर, नौकरी ट्राई करी कई बार, कोई कहता है कि आधार कार्ड लाओ लाओ, मेरे पास कुछ है नहीं सर। कैसे आधार कार्ड क्यों नहीं बनवाते अपना सर? कोई है नहीं फैमिली का, कोई है नहीं साथ का। फैमिली में कौन कौन है? कोई नहीं, एक सरिया से तो ना गुजारा होता, अपना कबाड़ा बीनते रहते सर, हो जाता है 2-4 किलो तो अपना बेच लेते हैं, खा पी लेते हैं शाम को। अभी देखो मेरे को ये भाई मिला और वहाँ पर ये सरिया निकाल रहा था, मैंने इसको रोका कि सरिया क्यों निकाल रहे हो, और ये देख रहे हो सामान यहाँ पे इसका इकट्ठा है, कुछ बीनने वगैरह का काम करता है। हालांकि इससे मेरी बात हुई, ये बता रहा है कि मैं बेरोजगार हूँ और अगर इसको रोजगार मिलेगा तो रोजगार कर लेगा। हाँ। मजबूरी में इसको ये काम करना पड़ता है ना। क्या नाम है तुम्हारा? रोहित सर। रोहित, ये बताओ सरिया क्यों निकाल रहे थे, सच बताओ? सर इसीलिए सरिया निकाले, वो टूटी हुई है, नाली भी टूट रखी है, इसीलिए सर उसमें से सरिया निकाल। क्या करते फिर तुम उस सरिये का? क्या करते सर, यही कबाड़े में जाती है सर, कबाड़े में भेजते। हाँ सर। अब देखो ये हालांकि ये काम गलत कर रहा था क्योंकि वो चोरी है, वो पता है ना, वो चोरी है। हाँ सर, एक तरीके तो चोरी होगी वो भी। क्यों कर रहे थे तुम? तुम्हें पता था जब वो चीज चोरी है, तुम्हें पता भी और तुम एक्सेप्ट भी कर रहे हो। बाकी फिर भी वो टूटी हुई थी ना, इसलिए इसमें कोई वो नहीं था। अब देखो अगर ये मंजा हुआ चोर होता तो शायद ये यहाँ से भागता, या ये हमें बताता ही ना सीधी सीधी बात की मैं हाँ मैं इसको निकाला था, मुकर भी सकता था। लेकिन सच्चाई की इसने पता था कि हम लोगों ने इसको रंगेहाथ पकड़ लिया है, देख लिया है, और ये ईमानदार भी मेरे को लगा कि ये बता भी रहा है कि हाँ मैं निकाल रहा था, लेकिन आपको नहीं निकालना चाहिए था ना। यस सर। गलत करूँ ठीक करूँ? ठीक करूँ। इसके बदले कहीं नौकरी क्यों नहीं करते सर? नौकरी ट्राई करी कई बार, कोई कहता है कि आधार कार्ड लाओ लाओ, मेरे पास कुछ है नहीं सर। कैसे आधार कार्ड क्यों नहीं बनवाते अपना सर? कोई है नहीं फैमिली का, कोई है नहीं साथ का। फैमिली में कौन कौन है? कोई नहीं है सर। कोई तो होगा बड़ा, मम्मी कोई नहीं पापा, है सर, बड़ा कोई, भाई बड़ी बहन बड़ी छोटी, कोई कोई तो नहीं, दोस्त यार हैं जो बचपन से साथ में रहे हैं। अच्छा, वो भी एक दो खत्म हो गए हैं, नशा पानी लग गया था उन लोगों को, तो कोई नहीं है, अकेले अपने रहते हैं, जहाँ मर्जी सो जाते। कहाँ पे हैं रहते हो? कहीं भी सो जाते हैं सर, वैसे तो अपने कराले से ही ज्यादातर यहीं रहते हैं। मम्मी पापा क्या करते हैं सर? मम्मी पापा नहीं। और कोई रिश्तेदारी में हो बड़ा? नहीं सर, ऐसा अकेले हो बिल्कुल। आधार कार्ड क्यों नहीं बनवाया सर? कोई वैसे हमें पता नहीं है सर, किसके पास जाएं कैसे जाएं, पढ़े लिखे भी नहीं है। तो आधार कार्ड क्यों नहीं बनवाते अपना सर? ये नहीं पता ना किसके संग कहाँ पे जाएं, ये पता होना तो चाहिए ना, किस कैसे बनेगा आधार कार्ड। उम्र कितनी है तुम्हारी? उम्र सर 17 साल हो गई, करीब 17 तो हाँ हो गई है। अच्छा एक बार मेरे को वो दिखाओ, कौन सा टूटा हुआ था जो बता रहे थे, आओ। मतलब ये टूटा हुआ था इसलिए निकाल रहे थे? निकल जाता इसमें आराम से निकल जाता ये हैं? टूटे हुए। अब कैसे निकलेगा ये, निकाल के दिखाओ एक बार। निकालना क्या सर जी, ये ऐसे ऐसे करते रहते तो निकल जाता सर। हैं? ये टूटे हुए हैं, अगर जो सर निकालते तो निकल जाते, सारे तोड़ रखे हैं यहाँ पे, और जो निकल जाते तो निकाल। अब मैं आपको बता दूं कि ये सरकारी काम हो रहा है यहाँ पर, ये देख रहे हो यहाँ पे सरिये वगैरह लगा रखे हैं और ये सरकारी यहाँ पर काम हो रहा है। ये टूटा हुआ है तब ये लड़का बता रहा है कि मैं यहाँ से इसलिए निकालता और इसको बेचता, ये मजबूर है इसलिए इसने बताया कि मेरे पास रोजगार नहीं है, मैं नौकरी करना चाहता हूँ, अगर इसको रोजगार मिलता तो शायद यहाँ पर ये काम ना करता। अगर नौकरी मिलेगी तो तुम नौकरी करोगे? हैं? नौकरी मिलेगी तो नौकरी करोगे? यस सर, क्यों नहीं करेंगे? करोगे? अभी तक नौकरी क्यों नहीं ढूंढी फिर कहीं पे? हाँ सर, ट्राई करी थी यहाँ पे भी, काम वर्करों का चलता है, इनसे भी पूछी एक दो बारी, कह रहे आ जाना, पर किसी पास जाते कोई आ ही नहीं बढ़ता है। क्या बोलते हैं? कहते हैं आ जाना, कल से आ जाना, परसों से आ जाना, देखेंगे पूछेंगे, पर आगे कुछ बताते तो इससे गुजारा हो जाता है तुम्हारा? अगर ये सरिया तुम बेच भी देते तो इससे गुजारा हो जाता है तुम्हारा? सर एक सरिया से तो ना गुजारा होता, अपना कबाड़ा बीनते रहते सर, हो जाता है 2-4 किलो तो अपना बेच लेते, खा पी लेते हैं शाम को अपना। कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं ऐसे? हो जाते हैं 100-150 रुपये। अब देखो ये लड़का, अब बताओ मैं इसको क्या बोलूं, ये कह रहा है कि 100-150 रुपये इकट्ठे हो जाते, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार का कितना नुकसान है या आम जनता का कितना नुकसान है, लेकिन ये इसके पास रोजगार नहीं है। अगर इसके पास कसम से रोजगार होता तो शायद तुम ये काम ना करते। नहीं बिल्कुल नहीं सर, मतलब ही नहीं बनता हम ये काम करते सर। क्या नाम बताया था? रोहित। लेकिन तब भी रोहित मैं तुम्हें यही कहूंगा कि इस तरह का काम मत करना दोबारा, ठीक है सर? खाओ कसम कभी नहीं करूंगा। नहीं सर, कसम से नहीं करते हैं, वैसे ज्यादातर ये लो लंगड़ में ज्यादा वो नहीं करते अपने, हाँ बोतल वोतल उठा ली कुछ उठा लिया, लेकिन कभी भी चोरी नहीं करते। चोरी नहीं करते सर, कभी नहीं करोगे ना? नहीं सर, कान पकड़ के सॉरी बोलो। सॉरी सर, वैसे भी नहीं करते हम चोरी, तो चोरी करते होते तो बात अलग है। चलो जाओ, अच्छा लगेगा कि
ये अगर आपको भी इस तरह से कभी को नजर आता है कि जो मजबूर है या जो चाहता है कि क्या नाम है उसको रोजगार मिले, तो इस तरह के बच्चों को सपोर्ट करो ताकि उनको उनका रोजगार मिल जाएगा, तो शायद इस तरह की हरकतें दोबारा भविष्य में नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।